हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जो भी इस चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, बेहतर रूप से आपकी तैयारी चल रही होगी। कोशिश यही करता हूं कि जितना भी हो सके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियोज प्रोवाइड कर सकूं। आज मैं इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए बता रहा हूं मेरे बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो सीधे कॉल लगाकर कहते हैं कि सर यदि आप पेपर देना चाहें तो बताइए कितना पैसा लेंगे। आप पेपर बस दे दीजिए, मैं आपको जितना पैसा कहेंगे उतना मैं पैसा दे दूंगा। बहुत सारे बच्चे मैसेज भी करते हैं कि सर ये देखिए वायरल पेपर आ चुका है, सेम हूबहू वही क्वेश्चन मिल रहा है। मतलब जैसे एग्जाम में 2022 लिखा रहेगा उसी तरीके से मॉडल पेपर जैसे, मतलब टू कॉपी पेपर दिखा देते कि बाकी में सर क्या सही है कि नहीं, प्लीज आप चेक कीजिए। एक चीज तो मैं कहना चाहता हूं बच्चा लोग, इस बार चाहे आप निपटे या तो जो आपको पेपर देने वाला वो निपटे, निपटेगा जरूर। क्योंकि देखिएगा, यदि फेक पेपर आपको दिया जा रहा है तो फेक पेपर में आप क्या होगे, केवल उतना ही पढ़ के जाओगे जो कि पेपर में है, और आपका जिंदगी बर्बाद हो जाओगा, फेल हो जाओगे आप, तो आप तो निपटे का है। या कि यदि कोई बंदा रियल पेपर डाल दिया यूट्यूब पे, वो तो डेफिनेट रूप से उसको जेल जाना तय है, क्योंकि पैनल ही बना दिया गया है इस बार। पिछले बार कार्यवाही नहीं की गई थी, लेकिन इस बार विशेष रूप से कार्यवाही की जाएगी, ये डन है। मैं तो कई सारे यूट्यूबर को देख भी रहा हूँ, कई सारे वीडियोज के लिंक जो है मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, कोई प्राइवेट भी कर देगा, डिलीट भी कर देगा, लेकिन उनके वीडियोज को मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ, कल के सबूत होना चाहिए कि वाकई में किसने ये पेपर वायरल किया था। और एक आदमी यदि फंस गया तो सब फंस जाएंगे। इसलिए यदि आप ये मत सोचना कि मेरे तो व्हाट्सएप में आया था मैं नहीं फंसूंगा, आप भी फंस जाओगे बच्चा लोग। आप व्हाट्सएप से शेयर भी करोगे, डिलीट भी कर दो। सोशल मीडिया इतना आसान नहीं है कि अब आप कुछ भी करके डिलीट कर दो, गाली देकर किसी को डिलीट कर दो, मैसेज ओपन हो जाएगा, आपसे नहीं होगा। जब सरकार इन्वेस्टिगेशन करेगा तो डेफिनेट रूप से हो जाएगा। तो इस बार एमपी बोर्ड भी सतर्क है, यदि आप थोड़ा बहुत भी लापरवाही करें तो डेफिनेट रूप से आपको भुगतना पड़ेगा। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, मुझसे कोई भी बच्चा जो मेरे चैनल में है या किसी अदर चैनल से पढ़ाई कर रहा है, पेपर की उम्मीद बिल्कुल कभी मत करना। मेरे पास पेपर कहीं से आए या ना आए, किसी बच्चे ने भेजा भी लेकिन मैं किसी को नहीं दे सकता, ये मैं गारंटेड कहता हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिंक भेजने लगना शुरू करें, मैं आपसे विनती करता हूं कि लिंक मत भेजो। सर मानी चाहिए साले उन लोगों को जो कि बर्बाद कर रहे हैं बच्चों के भविष्य को, बर्बाद करना बंद कर दो यार। क्योंकि आप आज किसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कल आपके घर में भी भाई बहन होंगे, उसके साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो आपको कितना बुरा लगेगा। उन सभी मैं चैनल भाइयों से आग्रह करता हूं जो मेरे ही जैसे यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप ऐसे पॉजिटिव चीजें करो ताकि बच्चों के मन में डीमोटिवेशन मत आए। जो पढ़ने वाला बच्चा भी सोचता है क्या ये सही है कि क्या गलत है, एक बार आप उनको बता दो कि मॉडल पेपर है। ये मत कहो कि यही 100% आएगा, हो सकता है यदि नहीं आए तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो शर्म करो मेरे भाइयों, जो बच्चों की जिंदगी के साथ यदि खिलवाड़ करना चाहते हो, दो दिन में दो पैसे कमा लोगे वो हमेशा नहीं चलेगा। आज पर नकल चल रहा है तो बच्चे के मन में फीलिंग आ रही है कि नकल कर, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं जो यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज यार बच्चों को गुमराह मत करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है कि एमपी बोर्ड इस बार कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर लेगा यदि कोई गलत पेपर डाल दिया तो, यदि आप पेपर रियल पेपर वायरल कर दिया तो। इसलिए मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि बच्चे की जिंदगी बर्बाद मत करो। और बच्चों आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि 90% बच्चे तो क्या करते आ रहे हैं, अभी लगातार नकल पे नकल, नकल पे नकल, नकल पे नकल, और वही आदत लत लगा हुआ है। किसी बच्चे ने कमेंट किया सर हमने तो साल भर पढ़ा नहीं, नकल पे चलते आ गए तो तीन दिन में क्या पढ़ेंगे, तीन दिन में क्या पढ़ेंगे। शर्मानी चाहिए, क्योंकि आदत की लत लग गई है। मैं जितने भी भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी बर्बादी है प्यारे भाई, यदि आप किसी के नकल के भरोसे में हैं तो आप जिंदगी में बर्बाद हो, आगे कुछ कभी पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए अभी भी आपके पास एक से दो दिन है, मेहनत करना शुरू कर दो, बिल्कुल एक भी दिन मत गंवाओ। और मैं तो कहना चाहता हूं कि आपके व्हाट्सएप में भी कभी आ जाए तो आप किसी को शेयर मत करना, कहे कि यदि इन्वेस्टिगेशन होगा तो आप फंस जाओगे। टेलीग्राम पे आ जाए आप किसी को शेयर मत करना, नहीं तो आप भी फंस सकते हो। मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं जो पढ़ने वाले हैं, जो नकल करने वाले हैं, तो जाओ भैया नकल करो, तुम्हारे लिए खुला आबादी है, जाओ जहां देखना हो देखो। लेकिन पढ़ने वाला बच्चा एमपी बोर्ड में सभी से गुजारिश करता हूं, अभी भी वक्त है भैया सुधर जाना, किसी से ना लेना ना देना। कोई शेयर कर दिया आपको ठीक है, लेकिन आप मत शेयर करना, नहीं यहां पर सोशल मीडिया इतना खतरनाक भी है जितना आप आसान समझ के रखे हो। और इस बार तय है बच्चा लोग, इस बार तय है। मैं तो खुद कई वीडियोज की लिंक जो है कॉपी कर लूंगा, पेपर के एक दिन पहले जो भी बनाएगा कि यही पेपर आएगा, यदि यही आ गया तो हो सकता है कार्रवाई होगी, तो मैं खुद सबूत दूंगा, ये मेरा वादा है। और आप लोग बेहतर रूप से पढ़ाई करें, क्योंकि यार एमपी बोर्ड को लोग कचरा समझ रखे हैं। इसका कारण है क्योंकि भाई लगातार नकल पे नकल, पेपर पहले वायरल हो रहा है लेकिन इस बार हो सकता नहीं होगा, क्योंकि यदि इस बार एमपी बोर्ड ने गलत कर दिया तो हमेशा के लिए वो बदनाम हो जाएगा। क्योंकि ऑल इंडिया में एमपी का भी स्थान है ऐसा नहीं है, इसलिए एमपी ऐसा करने वाला नहीं है। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं बच्चे लोग पढ़ाई करो, बेहतर करो, और मुझसे किसी प्रकार से पेपर के लिए फोन कॉल मत करो। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, ये मत कहो कि सर आप जितना पैसा लेना चाहो ले लो,
पेपर मुझे दे दो, तो मैं किसी प्रकार का भी आश्वासन में नहीं देता हूं, मैं तो हार्ड वर्क पर बिलीव करता हूं। आप लोग हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, किसी के बहकावे पर मत आए। टेलीग्राम में पैसे मांगकर आपको पेपर देने के लिए बोले मत जाओ, केवल आप पढ़ाई करो। मैं तो पहले भी बोला भैया क्वेश्चन बैंक से तैयारी करो, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे मत भागो, क्वेश्चन बैंक उठाओ, उसी से पढ़ाई करो। एमपी गवर्नमेंट द्वारा क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है, तो पेपर लगभग लगभग वहीं से अधिकतम आएगा, इसलिए आप प्रॉपर रूप से तैयारी करो। आपका यदि एक दिन क्या होगा कि जैसे इंग्लिश का पेपर है, उसमें आपको पता चल जाएगा कितने परसेंटेज क्वेश्चन बैंक से आते हैं, मैं एनालिसिस करके बता दूंगा जैसे पेपर होगा। तो इसके बाद आपका भैया हिंदी फिजिक्स जो भी पेपर है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता रहूंगा। तो बच्चा लोग पसंद आए वीडियो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मैं जो कहूँ प्लीज गलत कदम मत उठाना, आप प्रॉपर रूप से मेहनत करते चले। आप जितना भी यार अपने दिल से मेहनत करोगे, जितना भी अंक आएगा तो आपको दिल में सुकून होगा, ये कभी ये फीलिंग नहीं आएगी कि ये तो भैया नकल का है। जिंदगी में आप कभी 5 नंबर भी नकल से ले आओगे वो किसी वैल्यू का नहीं होता, हमेशा आपके मन में होगा कि उस साल मैंने ये नकल किया था, पेपर हमने पहले पा गया। तो अंदर से एक ग्लानी फील होती है, मतलब एक नर्वस फील होता है, मतलब थोड़ा अंदर से एक नर्वास, मतलब जैसे आपके मन में किसी के सामने अपनी बड़ाई करनी है तो अपनी कमी महसूस होती है कि हम यार क्या करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ भाइयों आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, और हाँ पेपर बहुत नज़दीक है, इसलिए सब कुछ छोड़ करके पढ़ाई पर मेहनत करो जितना कोशिश हो सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, आज भी मैं कोशिश करूँगा आप लिए वीडियो बना दूँ। वीडियो पसंद है लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दें, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस वीडियो को देख करके भी गलत काम करना नहीं छोड़ रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।